बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी पॉलिटिक चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना का फ़ायदा सऊदी अरेबिया में अगर किसी ने उठाया है तो वो हैं फैमिली विजिट वीज़ा वाले। ऐसे तमाम अफराद जो कोरोना के दौरान सऊदी अरेबिया में थे, उनके वीज़े एक एक साल के वीज़े थे। लोगों ने ढाई ढाई तीन तीन साल भी सऊदी अरब में गुजार लिए। जिनके पास सिंगल एंट्री वीज़ा थे, उन्होंने छः महीने की बजाय डेढ़ डेढ़ साल सऊदी अरेबिया में गुजार दिया। हर बार तवासल सर्विस के जरिए रिक्वेस्ट सेंड की जाती और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता था, लेकिन अभी जब आज़ाद की जानब से उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, या उसके यूं कह लें कि जो नरमी पहले की गई थी अभी उसे ख़त्म किया जा रहा है। हमारे पास एक्सपीरियंस है 250 लोगों का, 250 पीपल्स। हमारे पास जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो ऑलरेडी लोग उसके मेम्बर्स हैं फैमिली विजिट वीज़ा वाले, उसमें जितने भी लोग इस वक्त वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। आप तवासल सर्विस के जरिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आपकी आपको जवाब की जानब से रिप्लाई आ रहा है कि आप पहले कंफर्म टिकट लेकर आएँ और 14 दिन का वीज़ा आपको एक्सटेंशन वीज़ा की मिलेगी। इसी तरह ऐसे अफराद जो जवाब को विज़िट कर रही हैं और जवाब जाते हैं तो वहाँ पर उनसे ये कहा जाता है कि आप पहले कन्फर्म टिकट ले के आएँ, फिर आपको एक्सटेंशन मिलेगी और वो भी सिर्फ 14 दिन के अंदर अपनी फैमिली को ट्रैवल करवाएं। ये जब आज़ाद की जानब से कोई अहकाम जारी नहीं किए गए, किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, बल्कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग भी ज़ाया ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपकी फैमिली भी सऊदी अरेबिया में मौजूद होगी विजिट वीज़ा पर, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या मसला इस वक्त पेश आ रहा है। अगर आने वाले चंद दिनों में आपकी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है तो आपको बहुत ही मुहतात होना पड़ेगा। एडवांस में आपको टिकट बुक करके रखना पड़ेगी। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि ये 250 लोगों का एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस इससे कुछ मुख्तलिफ है, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिएगा ताकि बाकी लोग भी आपके कमेंट से और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में ये गलत साबित हो जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है और अगर आप बुरा ना माने तो आपको वीज़ा की एक्सटेंशन अभी नहीं मिलने वाली। पर अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर बंदा जो फैमिली विजिट वीज़ा वाला है, ज़ाहिर इस वीडियो को देख रहा है, आपसे कुछ सीखना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, एक दूसरे की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।